संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन हियर टुडेज इम्पोर्टेंट गेस्ट पांडिले सर टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ अ टीचर्स डे। सो गाइस क्लैप। इट टुक लॉन्ग टाइम एंड नो वन हैज मेंटेलिटी टू लिसन मी। आई नो इट राइट नाउ बिकॉज so many students came on the stage and they tried their level best. Everybody had their own talent, own capacity, own ability, and they utilized here on the stage and they tried their level best. It's a surprising thing that near about 45-40 students attended this stage today. It's not a simple thing because you go anywhere in any program, so many say you, please go on the stage and speak some word, please come on the stage, speak some word, but no one would ready. But right now in our class, even small kids who is only in third standard, he tried to speak, he dared to speak. It is not a simple and small thing. I really appreciate all of you who tried their level best. And at the end, I know it, today is a teacher day. It is not a day of my speech for other purpose. Purpose should be only teacher. Really, you think over it. Before freedom to the India, India did not get freedom. There were no numbers of teachers because there were no school. After freedom we got school. D.B. Ambedkar has written in constitution some educational rights. Education should be free and fair to all of you. Later on the basis of that article, India got enlightened and Indian president, prime minister and so many dignitaries of India decided to open the school. And so many schools got open in India. And later on, real way of education started. So many teachers came in forth and they taught to the so many students. So India got progress. I tell you in Marathi Hindi, 1950 ke pehle apne Bharat mein school college kuch bhi nahi tha, education ka koi prashna nahi tha. D.B. Ambedkar was a person who wrote the article over it. And later on 50-60 के बाद स्कूल कॉलेज ओपन हुए, बहुत से टीचर पैदा हुए और दुनिया चेंज हो गई। होल वर्ल्ड गॉट चेंज, होल इंडिया गॉट चेंज। दुनिया इतनी आगे बढ़ने के कारण है, 200 साल के पहले दुनिया इतनी आगे नहीं थी। 200 साल के बाद जब पूरे दुनिया में स्कूल कॉलेज का विकास हुआ 200-300 साल के पहले, तब से दुनिया का ने इतनी स्पीड पकड़ी। और ने क्या दोस्तों, आई वुड लाइक टू से यू वन मोर थिंग कि एक ही ऐसा प्राणी ईमानदार है पूरे दुनिया में जो अपने मन से और दिल से चाहता है कि मेरे से कुछ मेरे स्टूडेंट को मिले, यानी वो देने की एक अंदर से महत्वाकांक्षा रखता है, इच्छा रखता है, वो है टीचर। टीचर को लगता है कि मेरा स्टूडेंट मेरे से बड़ा बने, मेरा स्टूडेंट मेरे से पाठ बने, मेरा स्टूडेंट राष्ट्रपति बने, मेरा स्टूडेंट प्रधानमंत्री बने, मेरा स्टूडेंट मंत्री बने, मेरा स्टूडेंट कलेक्टर बने, मेरा स्टूडेंट दुनिया में नाम कमाए। क्योंकि उसको मालूम है कि एक टीचर तो सदा टीचर होता है, साइकिल पे जाता है, टू व्हीलर पे जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं कमाता है, लेकिन टीचर ये चाहता है कि मेरा स्टूडेंट बहुत बड़ा आदमी बने। ये टीचर की एक जेन्युइन इच्छा होती है। लगे तुम देखो पॉलिटिशियन की इच्छा क्या होती है, लोग मेरे से चूतिया बने, उनसे मैं वोट लूँ, बराबर है। बिजनेसमैन की इच्छा क्या होती है, लोग ठगे मैं प्रॉफिट कमाऊँ, बराबर है। एक साधु जो होता है ना प्रवचन देने वाला, उसकी इच्छा होती है कि लोग मूर्ख बने, मेरा प्रवचन सुने और मेरे जैसा मेरे को गुरु माने, मेरे पैर पड़े, मेरी पूजा करे, मेरा सम्मान करे, गुरु टीचर। लेकिन एक प्रामाणिक प्राणी टीचर ही होता है जिसकी इच्छा होती है कि मेरा विद्यार्थी मेरे से बड़ा बने। ये दुनिया जो है ना इतने आगे बढ़ी है, होल वर्ल्ड गॉट सच ए रिमार्केबल सक्सेस, उसका जो फाउंडेशन है वो टीचर है। सबसे बड़ी बिल्डिंग, एक लड़की ने कहा था सम टाइम बिफोर, सम गर्ल स्पोक हियर, कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होती है ना उसका फाउंडेशन अच्छा होता है, इट हैज़ अ गुड फाउंडेशन। और टीचर जो है ना वो अच्छा फाउंडेशन है, बराबर है। और मैं एक बात को अच्छी तरह से दोहराना चाहता हूँ कि अगर स्टूडेंट अच्छे नहीं बन पा रहे, अगर स्टूडेंट इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, अगर स्टूडेंट पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, अगर स्टूडेंट में बड़ा बनने का जज्बा नहीं है, तो समझ जाना उस देश का टीचर बराबर नहीं है। जो देश गरीबी के तगार पर जा रहा है, जो देश धीरे धीरे पीछे जा रहा है, जो देश के स्टूडेंट में आत्मविश्वास नहीं रहा है, जो देश के स्टूडेंट में
कुछ करने का जुनून नहीं रहा है, एक्साइटमेंट नहीं रहा है, एंथुजियाज़म नहीं रहा है, समझ जाना कि वो देश में अच्छे टीचर नहीं। और मैं ये बात थोड़े दुख के साथ कहता हूँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत में एजुकेशनल सिस्टम उतनी पावरफुल नहीं है, नहीं है, नहीं है। और उससे भी ऊपर एक बात कहता हूँ कि दुख से कहना पड़ता है, हमारा प्रोफेशन होने के बावजूद कहना पड़ता है कि थोड़ा अपने देश में टीचर में जो चाहिए था स्टूडेंट के प्रति भावना, फीलिंग चाहिए थी, वो अभी दिन ब दिन दिख नहीं रही है। कि टीचर को लगता है मैं अभी गवर्नमेंट का टीचर बन गया हूँ, वो ही इज टू मच इंटरेस्टेड इन हिज पेमेंट। जिस पद के बलबूते पर उसने पैसा कमाया है, बड़ा बड़ा मकान बनाया है, बड़ी गाड़ी खरीदी की है, लोगों में इज्जत कमाई है, जिस पद के बलबूते पर कमाई है, वो पद क्या है उसका? टीचर। लेकिन उस पद के बलबूते और इज्जत कमाने का जो पद की गरिमा को मेंटेन रखने के लिए उसको ईमानदारी से पढ़ाना है, 10-10 घंटे पढ़ाई खुद करना है, ही हैज टू स्टडी 10 आवर्स डेली बिकॉज ही गॉट सच अ रिमार्केबल सक्सेस बिकॉज ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, बिकॉज ऑफ ही इज अ टीचर। अंडरस्टूड? अभी क्या कर रहे हैं, टीचर का फोकस सिर्फ पेमेंट पे है, वो एक किताब नहीं खरीदता। ऐसे भी टीचर देखे वो 10 किताब नहीं खरीदते, एक किताब नहीं खरीदता, उनके घर में किताबों की रैक नहीं है, बराबर है। वो कोई नया ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता, बहुत से खेड़े पढ़े के टीचर है, डीएड के, बीएड के, और अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको खुद को इंग्लिश नहीं आता। और इंग्लिश आता नहीं ये बात गलत नहीं है, जो आता नहीं उसको पढ़ने के लिए हम कोशिश कर सकते, लेकिन उनमें इतना भी इंटरेस्ट नहीं कि वह एकाधिक कोचिंग में जाए, 5-6 हज़ार खर्च करे और खुद इंग्लिश पढ़े। और मैं अकेला इंग्लिश पढ़ूंगा क्योंकि एक खेड़े से यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जो खेड़ा है वहाँ के 50 लड़के मेरे पास पढ़ने नहीं आ सकते, किसी और सर के पास पढ़ने नहीं आ सकते, क्योंकि उनको डिस्टेंस ज़्यादा पड़ता है, दे हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस, और उतना वो खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन उसी स्कूल का अगर एक टीचर पढ़ के गया, एक ही टीचर ने खर्च करना है, और उस स्कूल का पूरे 50 रुपये उन्हें खुद पढ़ाया, तो 50 लड़कों का फायदा होगा, 50 लड़के को पैसे बचेंगे, समय बचेगा, और वो महान बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो टीचर बनने लगता है, यार जान देना मेरा पेमेंट निकल रहा है ना, मैं अगर इंग्लिश पढ़ भी लूँ, नई चीज़ें पढ़ भी लूँ, मैं उनको अच्छा पढ़ाऊँ भी, तो मेरा एक्स्ट्रा फायदा क्या होने वाला है, गवर्नमेंट का मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट देने वाला है? ऐसी सोच बहुत से लोग रखते हैं। मैं बहुत से स्कूल देखे खेड़े पाड़े में गया, बहुत से शिक्षक लोगों को देखा, उनको ये मालूम नहीं है कि हर साल मैं 8, 9, 10 को पढ़ाता हूँ, 60, 180 लड़कों को पढ़ाता हूँ, हर साल में 200 लड़कों के लाइफ को मैं टच करता हूँ। कोई टीचर हर साल में 1000 लोगों की लाइफ को टच करता है, 1000 स्टूडेंट के लाइफ को टच करता है। अगर 1000 स्टूडेंट के लाइफ को वो टच कर रहा है और वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहा है, नए नए किताबें नहीं पढ़ रहा है, नए नए ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा है, दिल से स्टूडेंट को पढ़ाने की भावना नहीं रख रहा है, तो वो 1000 स्टूडेंट का नुकसान कर रहा है, एक एक मिनट को बर्बाद कर रहा है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर इज अ जेन्युइन प्रोफेशन, और हर टीचर ने नई पीढ़ी को दिशा देने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उसने दिल से पढ़ाना चाहिए। अब दिल से पढ़ाने वाले टीचर नहीं बचे तो दिल से पढ़ने वाले स्टूडेंट भी नहीं बच रहे। मैं देख रहा हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन है कोरोना के बाद, तो मुझे अलग से ऑब्जर्वेशन आया है कि दिल से पढ़ाने वाले टीचर नहीं बचे तो दिल से पढ़ने वाले स्टूडेंट भी नहीं बचे। एक आदमी, एक आखिरी की लाइन मैं बोलता हूँ, अक्सर सामान्य आदमी जब मुंह खोलता है तो अपने खुद के भले के लिए खोलता है, खुद के फायदे के लिए खोलता है, बराबर है। अक्सर सामान्य आदमी जब मुंह खोलता है वो खुद के भले के लिए, खुद के फायदे के लिए खोलता है, मगर एक महान विद्वान आदमी या एक महान टीचर या एक महान फिलोसोफर या एक महान दार्शनिक जब मुंह खोलता है वो समाज के भले के लिए खोलता है, समाज के फायदे के लिए खोलता है। लेकिन 90% टाइप अगर अच्छा ईमानदार टीचर हो, वो जो मुंह खोलता है, जो बातें बोलता है, वो टीचिंग करता है, वो दुनिया के स्टूडेंट के भले के लिए करता है, बराबर है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली, एंड आई थिंक टुडे इज वेरी ऑस्पिशियस डे, एंड यू लिसन ऑल सो केयरफुली, एंड प्रतीक सर अरेंज्ड सच अ नाइस प्रोग्राम, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू प्रतीक सर।